अलमैकम एवरी वन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कैंसर और इसी से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैंसर क्या होता है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं तो कैंसर जो है वो एक इस तरीके की बीमारी होती है जिसके अंदर जो हमारे जिसम के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं जिसम के अंदर और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है ये और यूजली जो है ये जिसम के किसी भी हिस्से में हो सकता है क्योंकि हमारी जो पूरा जिसम है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है नॉर्मली सेल की एक साइकिल होती है प्रॉपर जिसमें ये होता है कि सेल जो है वो डिवाइड भी होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं इसको सेल डिवीज़न कहते हैं और वो एक पर्टिकुलर तरीके से ग्रो करते हैं लेकिन जब अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो ये साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है सेल डिवीजन की और ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तादाद में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं कुछ स्टिमुलस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो इसकी साइकिल की डिस्टर्बेंस की वजह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एक ट्यूमर यानी कि एक लम्स और गुठली जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है जैसे जो टिश्यूज़ का गुच्छा होता है वैसा बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होता है ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं उसके अंदर ट्यूमर जो होता है वो सॉलिड ही होता है सिवाय ब्लड कैंसर्स जो होते हैं जो लिक्विड कैंसर्स होते हैं उसके अंदर ये थोड़ा सा चांस होता है कि उसमें आपके ये ट्यूमर सॉलिड नहीं होते बल्कि उसमें सॉलिड ट्यूमर्स होते ही नहीं हैं और जो नॉर्मली दूसरे जो कैंसर्स होते हैं उसके अंदर अक्सर और बेशतर जो होते हैं वो सॉलिड ट्यूमर्स ही होते हैं और ट्यूमर जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली जिसमें जो है एक ट्यूमर ऐसा होता है जो कि लोकलाइज होता है यानी कि वो इस तरीके से होता है कि उसमें आपके जो सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है यानी कि एक पर्टिकुलर टारगेट जगह होती है जहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं और वहीं पे जो है वो एक ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं तो ये वाली टाइप का जो कैंसर होता है इसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं और ये यूजुअली क्योरेबल भी होता है और अगर इसको सर्जरी से आप रिमूव कर दें तो ये रिलैप्स भी नहीं होता इसके दोबारा होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं तो ये बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये आपको आ, उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन जो सेकंड टाइप होती है जो कि मेलिगनेट ट्यूमर्स कहलाते हैं यानी वो ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि फैलते हैं यानी कि वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं ग्रो होना और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते होते दूसरे सेल्स और दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक चले जाते हैं और उनको भी डैमेज कर देते हैं उसके अंदर ग्रो होते होते वो एक बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये जो इस तरीके के ट्यूमर्स होते हैं इनको मेलिग्नेट ट्यूमर्स कहते हैं और यही असल कैंसर होता है जो हम कैंसर की जो डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली इन ट्यूमर्स के लिए होता है जो कि फैलने वाला ट्यूमर होता है और जो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये फैल रहे होते हैं उसको जिसमें मेटास्सिस कहते हैं उसको तो अब बात कर लेते हैं कैंसर के कॉजेज़ के बारे में तो कैंसर यूजली जो है वो एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है ये जीन्स के अंदर जो हमारे सेल के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं उनकी ख़राबी की वजह से ये हो रहा होता है ये इसका सबसे मेन रीज़न होता है लेकिन ये ख़राबी होने की कुछ वजूहत हो सकती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ये है कि या तो आप इस जीन के साथ ही पैदा होते हैं जो कि ख़राब होती है जिसमें आपको फ्यूचर में ये होता है कि वो जीन ऐसे ही कोडिड होती है कि उसमें ये चीज़ फीड होती है कि आपको जो है किसी भी हिस्से में जिंदगी के आपको कैंसर जो है वो हो जाएगा और या फिर इसका जो कुछ इन्वामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन uh, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर होता है कैंसर का वो ये है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं यानी जो लोग सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर कॉज़ होने के जिसमें से एटी टू नाइन्टी परसेंट जो है वो लंग कैंसर सिगरेट पीने की वजह से हो रहे होते हैं और, और जो लोग स्मोक नहीं भी करते लेकिन उनके इर्द गिर्द या उनके आसपास कुछ लोग जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उनको भी जो है वो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जो है चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप होने के तो स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कॉज होता है कैंसर का और उसके अलावा जो दूसरा मेन कॉज़ होता है कैंसर के लिए वो होता है बहुत ज़्यादा यूवी रेज से एक्सपोजर यूवी रेज ज़्यादातर जो है वो सनलाइट के थ्रू ही लोग आ, एक्सपोज हो रहे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सनलाइट में जा रहे होते हैं धूप में काम करते हैं या उनकी रूटीज ऐसी होती हैं कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और वो कोई प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं करते सन ब्लॉक वगैरह भी यूज़ नहीं करते तो ऐसे लोगों को जो है वो स्किन के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं उसके अलावा जो थर्ड सबसे मेजर रीज़न होता है कैंसर का यानी जीन्स में जो डिफेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये है कि आपको ओबेसिटी हो यानी कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको तेरह टाइप्स के कैंसर के रिस्क होता है जिसमें बहुत सारे हो सकते हैं आपको स्टमक का कैंसर हो सकता है रेक्टम कैंसर हो सकते हैं और भी बहुत तरह के कैंसर जो हैं वो हो सकते हैं तो इस वजह से जो है आपको अपना वेट जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि वेट जो है वो सबसे बड़ा वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंसर कॉज करने का एक और रीज़न ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल जो है वो आपके जेनेटिक जो है म्यूटेशन कर देती है आपके जीन्स को ऑल्टर कर सकती है अल्कोहल जिसकी वजह से जो है कैंसर आपके जिसम में स्टार्ट हो सकता है तो जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उन उनको लिवर कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है उनको रेक्टल कैंसर होने का चांस होता है पेट के कुछ तरह के कैंसर होते हैं जो होने का उनको बहुत ज़्यादा चांस होता है उसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्शनस भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है आपको कैंसर कॉज हो सकता है जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो है कुछ सर्वाइकल कैंसर होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो वायरस होता है उसकी वजह से अक्सर जो है वो लिवर कैंसर्स भी कॉज होते हैं Thank you.